फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉटरी ब्लाउज पे बहुत ही अच्छा एक जानकारी देने वाली हूँ। और वो क्या है, कॉटरी ब्लाउज पे क्या होता है, ज्यादातर लोगों का एक दिक्कत होता है सिलाई के बाद ये जो कॉटरी का मेन पॉइंट है, जो मेन बास पॉइंट है, ये बराबर नहीं होता है, ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं, फिटिंग्स नहीं होता है। तो सिलाई के बाद ये ठीक करना उतना ईजी नहीं है अगर आपको ये जानकारी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिलाई के बाद अगर कॉटरी आपका बास्ट पॉइंट की बराबर नहीं हुआ है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चढ़ गया है, उस टाइम पे आपको कैसे ठीक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सिलाई है, जो यहाँ पे आपका नेक पट्टी का सिलाई, ये आपको निकाल लेना है। मतलब यहाँ पे रख देना है, लेकिन यहाँ पे आपको निकाल लेना है दोनों। और यहाँ पे तो ज्वाइंट है, ज्वाइंट भी आपको निकाल लेना है। यहाँ से पूरा आपको यहाँ पे खोल लेना है। तो इतना सा मेहनत आपको जरूर करना है, क्योंकि आपने ब्लाउज पे पहले गलती कर दिया, तो ठीक करने के लिए इतना मेहनत आपको जरूर करना है। तो उसके बाद यहाँ पे पूरा निकालने के बाद देखिए आपको क्या करना है। तो देखिए, ऐसे पूरा अलग करने का जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो नेक पट्टी ये खोल लेना है, और यहाँ पे सिलाई निकाल लेना है, और नीचे का जो बेल्ट है यहाँ पे आपको निकाल लेना है। बाकी जो सिलाई जैसे है बिल्कुल वैसे ही रख देना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो इसका लंबाई है, या फिर थोड़ा इसको नीचे की तरफ लेके आना है। देखिए अभी यहाँ पे है, तो अब आपको लगभग पौने की दूरी पे आपको निशाना देना है। और इसको देखिए, आप चाहो तो ऐसे निशाना भी दे सकते हो, ऐसे करके निशाना दे सकते हो, या डायरेक्ट भी आप काट सकते हो। यहाँ पे हल्का सा आपको शेप देना है, ऐसे आपको कर देना है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, पहले कहाँ पे था, पहले का जो सिलाई आपका यहाँ पे था, अभी लगभग हाफ इंच से ज्यादा आपको नीचे की तरफ ये आ जाएगा। तो अगर आपकी बास्ट पॉइंट बराबर नहीं होता है, उस टाइम पे यहाँ पे बराबर हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है, आपको सिर्फ यही करना है। और एक कर सकते हो, अगर यहाँ पे शोल्डर पे फेब्रिक ज्यादा होता है, आप ज्यादा करके सिलाई पे दबा दिया, उस टाइम पे हल्का सा यहाँ पे सिलाई निकाल के यहाँ पे थोड़ा बढ़ा सकते हो। और बीच में जो दोनों पार्ट का, नीचे का दोनों पार्ट का जो ज्वाइंट होता है, उसमें अगर बहुत ज्यादा फेब्रिक आपने दबा लिया, उसमें हल्का सा आप सिलाई खोल के यहाँ पे आप बड़ा कर सकते हो। देखिए जैसे मैंने ये जो सिलाई किया, इस तरीके से जब सिलाई होगा, तब यहाँ पे भी सिलाई आप निकाल के दोबारा से सिलाई दे के, ऐसे सिलाई दे के आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा सकते हो, अगर बहुत ज्यादा आपका ये बास्ट पॉइंट बराबर नहीं हुआ तो। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हाफ इंच नीचे की तरफ आ जाएगा तब बराबर हो जाएगा। अभी इसको ऐसे काट देना है। इसमें देखिए आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका नेक भी फ्रंट की तरफ अच्छा होगा, चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा देखने में और भी अच्छा लगेगा, और ये भी नीचे की तरफ आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं निशाना लगा के आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, और पहले देखिए कहाँ पे था, यहाँ पे देख सकते हो कितना नीचे की तरफ आया है, इतना नीचे की तरफ ये आ जाएगा, लगभग पौने एक इंच ये ज्यादा हो गया। देखिए पौने एक इंच मेरा यहाँ पे ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से कॉटरी का बास्ट पॉइंट है, अगर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है तब ठीक कर सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं काटना है, अगर यहाँ पे आप काट लोगे तो दोबारा से जितना छोटा था उतना ही छोटा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा। आपको सिर्फ यहाँ पे काटना है, ये बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जैसे है ये बिल्कुल वैसे ही रख देना है। उसके बाद दोबारा से सेम सिलाई कर लेना है, तब बराबर हो जाएगा। तो मेरे जो ये ब्लाउज है बिल्कुल बराबर है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ये ब्लाउज लिया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है जिन लोगों को ये दिक्कत हो रहा था कॉटरी ब्लाउज सिलाई के बाद ऊपर की तरफ चढ़ गया है, ठीक कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है, इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे समझने में दिक्कत होता है, आप हमें जरूर कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, और पसंद आने पे एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।